पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने कई आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका यह प्रदर्शन है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली में जगह जगह पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन देखने को मिला है और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास का घेराव किया, ऐलान किया कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह विरोध किया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह प्रदर्शन देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी के द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ले जाते हुए नजर आ रही है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। जमकर नारेबाजी इस दौरान की गई और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का यह विरोध आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। पुलिस को यहां पर जद्दोजहद करनी पड़ी। देखिए, धक्का मुक्की भी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली है और इसके साथ ही पुलिस ने कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के यहां पर नारे लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर यहां पर नारेबाजी की गई है। काफी सुरक्षा बल यहां पर तैनात दिखा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों के बीच यह झड़प भी हुई है। कहीं हल्की धक्का मुक्की हुई है जिसके बाद पुलिस ने आम आदमी के कई जो कार्यकर्ता है उनको गिरफ्तार भी किया। केजरीवाल, अरविंद 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 केजरीवाल, अरविंद। तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का ये गुस्सा और प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई है। पुलिस भी यहां पर मौजूद नजर आई और कहा जा रहा है कि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की होती है जिसके बाद पुलिस ने कई ऐसे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के जिनको गिरफ्तार भी किया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज ये प्रदर्शन देखने को मिला। आम आदमी पार्टी सड़क पर नजर आई और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, लगातार समन भेजा गया था अरविंद केजरीवाल को और इसके बाद गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद यह एक्शन देखने को मिला है जहां पर पुलिस ने कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सड़क पर यह संग्राम लगातार जारी है और ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित बख्शी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अपनी हिरासत में ले लिया है। देखिए, आप सब तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठाकर ले जाते हुए यहीं पर, और दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो है वो पंजाब के जो कार्यकर्ता जुटे थे उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है जहाँ प्रधानमंत्री के घर के घेराव की घोषणा आम आदमी पार्टी ने की थी, उसी के विरोध में जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है इकट्ठे हुए थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई है उसके विरोध को करते हुए। देखिए, आप देखिए यहाँ पर अब यहाँ पुलिस और खींचातानी जो है आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच शुरू हो गई है और यहाँ से जो है हटाया जा रहा है इन तमाम कार्यकर्ताओं को। हरजोत बैस जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, पंजाब के मंत्री हैं, और रीना गुप्ता हैं यहाँ पर नजर आ रही हैं। और यहाँ देखिए तस्वीरों में, देखिए आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर ले जाते हुए कार्यकर्ता को ले जाते हुए यह पुलिस डिटेन कर रही है। और आप पुलिस बल पहले ही हमने दिखाया था कि किस तरीके से तैनात था, उसके चलते हुए यहाँ पर इस तरीके से एक्शन हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्हें हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और इनमें मंत्री हरजोत बैंस भी शामिल है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता कार्यकर्ता भी यहाँ पर इसमें शामिल हुए थे और अब उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है।
और हिरासत चलाएं दी मंत्री हरजोत बैंस जो है कार्रवाई जो हुई है उसके बाद हरजोत बैंस को भी यहां से उठा के ले जाया गया। इससे पहले थोड़ी देर पहले जब हमने बात की थी हरजोत बैंस से तो उनका कहना था कि हम जहां भी पुलिस रोकेगी वहां से भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, हमारा काम है आवाज उठाना और हम वो आवाज उठाएंगे। लेकिन पुलिस ने यहीं पर जो है पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से इन तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट जैन शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।